मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार कर उसकी बहरहनी के साथ हत्या करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर LR कुमार ने अपराधियों को दबोचने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मालूम हो कि सीतापुर जिले में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से लापता हो गई थी, जिसका एक हफ्ते बाद नदी में शव बरामद हुआ था। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग की रेप के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक LR कुमार ने इमलिया सुल्तानपुर थाना प्रभारी राय साहब द्विवेदी को वास्तविक अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में गुरुवार करीब 11 बजे कचनार के कुरुका गांव जाने वाले मार्ग पर नहर पुलिया के पास से संदेह के आधार पर दो अभियुक्त नीलू व उमेश को रोककर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने नाबालिग को अगवा कर रेप के बाद हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की बात स्वीकार कर ली है। जी सीओ साहब, क्या मामला है और ये जो खुलासा आपने किया है, कब की घटना थी, पूरा मामला? थाना इमलिया सुल्तानपुर में 13 जनवरी को एक लड़की लाई गई थी, जिसकी गुमशुदगी 14 जनवरी को लिखी गई थी और उसकी बॉडी मिली थी 20 जनवरी को। उस घटना में जब बैटरी और जाँच हुई तो उसमें ये बात प्रकाश में आई कि 13 की शाम को ही लड़की लाया गई सामने की गई व्यक्ति उसके साथ रेप करके और उसको रात में ले जाकर बॉडी में डाली गई। काफ़ी तलाश करने के बाद बॉडी भी पाई गई, जब मिली है फिर और काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई तो ये बात प्रकाश में आई और ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है कहाँ से हुई, क्या उसी गांव के रहने वाले जहाँ की? हाँ, उसी गांव के रहने वाले जहाँ की लड़की गिरफ्तारी। लड़की उनको कहाँ मिली थी, क्या इनका लड़की का अपहरण कैसे हुआ? बिल्कुल घर के सामने थी, अपहरण था, लड़की उनके घर में आई होश उसके साथ क्राइम किया और उसको उठा कर ले गई। पेशेवर अपराधी पहला घटना है, पहला इसमें एक व्यक्ति ने पहले भी क्राइम किया है, चोरी में गया है, पेड़ काटने में भी गया, तो वो पहले से भी जेल जाता है।